भाइयों और बहनों, जनवरी आ रही है, नई साल आ रही है, तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं कुशवा आयुर्वेद वाटका की ओर से। क्योंकि कल 1 जनवरी आ जाएगी 2021 और जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है, तो अधिकतर लोगों को, अधिकतर बच्चों को फेफड़ों और गले में कफ जमा हो जाता है, खुल खुल करते हैं, सर्दी खांसी हो जाती है। अगर फेफड़ों में और गले में कफ जमा हो जाए तो उसे निकालने का एक सीधा साधा सरल उपाय बता रहा हूं। ये देख लें, ये है चांगेरी, जिसको खट्टी मीठी घास बोलते हैं। बचपन में जब खेतों में जाते थे तो पानी जहां भरा होता था वहां पर ये हो जाता था, कभी कभी तो गमलों में भी ये हो जाता है। तो इसकी पत्ती खट्टी और मीठी होती है, बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं। इसका बॉटेनिकल नाम है ऑक्सालिस कॉर्निक्यूलेटा। अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में इसका नाम, इसके बॉटेनिकल नाम से आप जान सकते हैं। तो अब मैं बता देता हूं, अगर गले में खराश हो रही है, खांसी है, सर्दी है, फेफड़ों में और गले में कफ जम गया है, तो बहुत ही परेशानी होती है, उसके लिए इसके कम से कम 20 ग्राम ये जो हरे पत्ते हैं तोड़ लें और उनको पीस के थोड़ा गर्म करें, या तो इस तरह से थोड़ा गर्म करके और इसका रस निकाल लें और सुबह सुबह खाली पेट पी लें। तो एक तो ऐसे बता दिया मैंने, इस तरह से करें, या फिर ऐसे करें 50 ग्राम पानी में 20 ग्राम चंगेरी पत्तों को लेकर उबाल लें और उस पानी को सुबह सुबह पिएं। अगर आपको उचित लगे तो थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। और तीसरी तरह से ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं कि इसके 20 ग्राम पत्तों को किसी पत्ते में रख के और पिन लगा के थोड़ा स्टोव पे या उपलों की राख में थोड़ा 5 मिनट के लिए रख दें, तो अंदर की पत्तियां उबली सी हो जाएंगी, उस उबली हुई पत्तियों का रस निकाल के पी लें। तो 4-5 दिन के प्रयोग करने से ही गले में फंसा हुआ कफ और फेफड़ों में जमा हुआ कफ, सर्दी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मित्रों, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज 31 दिसंबर है, बहुत शुभ दिन है, 2020 का अंतिम दिन है, तो इस दिन कर ले। आपको याद भी रहेगी कि हमने कुशवा आयुर्वेद वाटका को सब्सक्राइब किया था। इसी के साथ नमस्कार, नेत्रपाल दुर्गादास कुशवा कल्याण।